किसी ने ना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया था मुझसे कि मैं यही क्यों बोलती हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि ये फर्स्ट सेंटेंस है जो मैंने कोरिया में कोरियन में सीखा था, इसीलिए मैं हमेशा यही बोलती हूँ। बहुत धूप है यहाँ पे, पता है टेम्परेचर जो इंडिया से ज़्यादा तो नहीं जाता, बट ह्यूमिडिटी यहाँ पर इतनी हो जाती है ना कि टोपी पाए भी ना बंदा बाहर नहीं निकल सकता। और मैं जैसे आपको दिख रहा है मैं कहीं जा रही हूँ, इतनी बिजी लड़की है ये लड़की बहुत बिजी है। तो मैं जाते जाते आपको कोरिया के कुछ फैक्ट्स बताते जाऊंगी जो मुझे लगता है कि आपको पता आने चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है, रीज़न कोई भी नहीं है। और हाय, सड़क पे वीडियो शूट करते कितना अजीब सा लगता है, सब लोग ऐसा देखते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो फैक्ट नंबर वन, अभी हम कहीं जा रहे हैं तो रास्ता कैसे ढूंढे, तो जैसे आपको पता है कि कोरियन जो है वो पहले इनको बोलने दो, जो कोरियंस हैं वो गूगल वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, मैप्स वगैरह यहाँ पे यूज़ नहीं चलते हैं। तो यहाँ पे दो ऐप्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं आपको अपने फ़ोन से दिखाती हूँ, ये जो है ये नेवर मैप और ककाओ मैप, ये यहाँ पे चलता है। जैसे नेवर आपको पता ही है, जैसे हमारी जीमेल आईडी जो होती है ना वो gmail.com ऐसे होती है, पर इनकी जो होती है वो naver.com होती है, @naver, तो मतलब गूगल यहाँ का नेवर है। तो मेरे शिनचैन की तरफ ना जाते हुए, तो इसमें फ़र्क तो है कोई भी नहीं है, पर कहते हैं कि जो नेवर मैप होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा इजी होता है, ऐसा मैंने सुना है, और ज़्यादा लोग नेवर यूज़ करते हैं, फॉरेनर्स जो है वो नेवर ज़्यादा यूज़ करते हैं, और कोरियन जो है वो ककाओ, पर मैं जो है वो ककाओ यूज़ करती हूँ। जैसे ककाओ या नेवर दोनों एक जैसे ही हैं, वैसे जैसे मैं लिखती हूँ ये होंगे। तो ये जो है ये आपको सारे वेज बता देगा, मतलब जितने अल्टरनेटिव वेज, अब कौन सी बस देखो कितने मिनट में आ रही है, ऐसे कितना टाइम लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, ये सब यहाँ पे आ जाएगा। तो फैक्ट नंबर टू है ये ट्रांसपोर्टेशन कार्ड। मुझे लगता है कोरिया में अगर सबसे पहले अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी चाहिए ना तो वो ये चीज़ है जो बस सबवे सब में चल जाता है। वैसे ये मेरा गरीबों वाला कार्ड है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप ऐसे ये टी मनी कार्ड ले सकते हो अपने फेवरेट आइडल का। टी मनी कार्ड का काम सेम है, पर इसको आप ऑनलाइन रिचार्ज करवा सकते हो। और जैसे मेरी फ्रेंड के पास जंगकुक का है, ये आर्मी है, जंगकुक की इतनी बड़ी फ़ैन है तो इसने ये लिया था, पर ये थोड़ा महंगा आता है, कंपनी बस दूसरी है तो इतना ही फ़र्क है। इसीलिए मैं अपने गरीबों के कार्ड के साथ ये हर बारी कैश के साथ इसको रिचार्ज करवाती हूँ, क्योंकि ये जो कार्ड है ये CU में रिचार्ज होते हैं, वो भी कैश के साथ। इसको आप ऑनलाइन या कार्ड अपने मतलब बैंक कार्ड के साथ रिचार्ज नहीं कर सकते, और मेरी फ्रेंड जो है वो ऑनलाइन रिचार्ज कर लेती है। फैक्ट नंबर थ्री, पूरे कोरिया की सिटीज़ में दो तरह की बसेस चलती हैं, रेड बस और नॉर्मल बस। तो आपको डिफरेंस पता आना चाहिए, क्योंकि रेड बस जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है, ये सोल वाली साइड तो प्राइस डबल हो जाता है फेयर, और इसीलिए आपको ज़रूरत है तभी आप यूज़ करें इसको, मैं तो नहीं करती। फैक्ट नंबर फोर, सारे बस स्टेशन पे ना ऐसी स्क्रीन लगी होती है जहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कौन सी बस कितने टाइम में आ रही है, रेड और ग्रीन बस का भी पता लग जाएगा, वो उसी कलर में लिखे होते हैं। और अगर ऐसे आप पीछे खड़े हो तो बस नहीं रुकेगी, अगर आप ऐसे आगे की तरफ खड़े होगे तो बस रुक जाएगी, ऐसे कभी कभी होता है। और जैसे मेरी तरह अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप 2800 won लेके रेड बस यूज़ कर सकते हो, और मैं ग्रीन बस भी यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर यही करती हूँ, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो 1450 है, मेरे बजट में रहता है। एक वे में बंदा 1450 ही दे, 2800 तो पागल हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, मुझे बैठ के ना बाहर का व्यू बड़ा अच्छा लगता है बस में। फैक्ट नंबर फाइव, जब बस से उतरते हैं ना तो ये बस के मतलब पिछले डोर के पास ना ये ऐसा मीटर जैसा लगा होता है जिस पे टैप करके ही उतरना पड़ता है। इसका रीज़न ये है कि जैसे एक ही बस जो है वो ज़्यादा दूर दूर तक नहीं जाती है, मतलब जहाँ हमें जाना होता है वहाँ नहीं जाती है, तो हमें बदलनी पड़ती है बस। तो अगर आप टैप करके उतरे हो ना और आधे घंटे के अंदर अंदर अगर आपने दूसरी बस ले ली ना तो आपके पैसे नहीं कटेंगे, मतलब 1450 अगर आपने पहले बस में पे किया तो सेकेंड बस में 0 पे करके आप काफ़ी दूर तक जा सकते हो, ये अच्छा है वैसे। फैक्ट नंबर सिक्स है बस में सेफ्टी, जहाँ से चढ़ते हैं और जहाँ से उतरते हैं दोनों जगह कैमरे लगे हैं, यहाँ पे सेफ्टी में कोई चूक नहीं है, तो आप अकेले भी जाओ कोई डर नहीं। फैक्ट नंबर सेवन,
बस में ना ऐसी स्क्रीन लगी होती है जिसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि पिछला बस स्टेशन कौन सा गया है, आने वाला स्टेशन कौन सा है और उसके आने वाला अगला जो बस स्टेशन है वो कौन सा है। यहाँ तक कि अनाउंसमेंट भी वो लोग करते हैं कोरियन में, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो। फैक्ट नंबर ए, बस में ऐसे रेड बटन्स होते हैं जिसे आप दबाओगे तो उसके आने वाले स्टेशन पे बस रुक जाएगी। फैक्ट नंबर 9, जैसे ही आपकी डेस्टिनेशन आ गई है फिर भी आप उतरते समय टैप करके ही उतरें। इसका रीज़न है, मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। जैसे मैं कब जब कोरिया आई थी ना, तो मैं ना सोचती थी अरे मेरा तो घर आ गया, मेरे को तो बस भी नहीं बदलनी है, तो मैं क्यों टैप करके उतरूँ, छोड़ देती हूँ, इतनी भीड़ भड़क्का होता है, सब लोग एक 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 करके क्यों टैप कर रहे हैं। तो और क्योंकि ना जो बस अगर चेंज करनी है ना वो 30 मिनट्स के अंदर अंदर ही चेंज करोगे तभी पैसे नहीं कटते हैं, अगर एक घंटा हो जाता है ना तो पैसे कटते हैं। तो मैंने कहा मैंने तो कल ही लेनी है, मैं नहीं लेती हूँ। पर ना मैंने ऐसे बहुत बार किया, तो एक बार नोटिस किया कि जिस टाइम मैं टैप करके नहीं उतरती हूँ ना, नेक्स्ट डे जब बस लोगे ना तो उसके डबल पैसे कटते हैं मेरे, मतलब मेरे 1450 की जगह 2900 कटते थे, अब नहीं। तो आप ये गलती मत करना। फैक्ट नंबर 10, मैं बोलूँगी नहीं, मैं सिर्फ दिखाऊँगी, ये देखिए सोल और सोल के पास जितने मतलब जो ग्योंगी दो है, यहाँ पे जो सबवे होता है ना वो इतना भीड़ वाला होता है ना, जैसे मुंबई ट्रेन, मुंबई मुंबई की जो ट्रेन है वैसे। फैक्ट नंबर 11, कोरिया में ना सबवे हो या बस, लोग बस टूटियाँ लगा के आराम से अपना फोन देखते हैं। फैक्ट नंबर 12, कोरिया में भी लोग खेती बाड़ी करते हैं, मतलब बुजुर्ग लोग ही जो हैं वो खेती बाड़ी करते हैं। और यहाँ पे ना पिंड में मैं गई थी, पिंड में वहाँ पे मैंने गौशाला देखा, मतलब गौशाला ही कहूँगी, और मतलब नेचर इतना अच्छा था ना मैं बता नहीं सकती। और जो फ्रूट्स है ना, फ्रूट जो पेड़ पे लगे हुए हैं वो ऐसे ओपनली लगे हुए, मतलब तोड़ के भी मुझे लग रहा था हम खा सकते हैं, पर मैंने तोड़ा नहीं। मैंने किसी से पूछा तो वो कहते हैं नहीं नहीं अभी ये कच्चे हैं आप ऐसे नहीं खा सकते। तो मुझे पिंड में जाके ना बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपनी दादी मम्मा के घर आ गई। उस टाइम पे मैं तो इस वीडियो के बाद ना मैं रोने लग गई थी क्योंकि मुझे अपने घर की याद आने लगी थी। फैक्ट नंबर 13, तो कोरिया में जो है 70% से ज़्यादा जो एरिया है वो माउंटेन्स ही हैं, तो लोग जो है वो माउंटेन्स को मतलब तोड़ के ऐसे मतलब उसी पे घर बना के रहते हैं। तो ये जो रास्ता है ना वो माता रानी की चढ़ाई जैसे हैं, मतलब ऊंचे नीचे हैं, पर फिर भी बहुत अच्छा है कोरिया, आप ज़रूर आना यहाँ पे। और इसी के साथ ये वीडियो होती है ख़त्म, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना, बाय।